नमस्कार दोस्तों, सीएसडी टुडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है शिव प्रकाश। दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा के सभी मॉडल जो कि सीएसडी कैंटीन में लिस्टेड हैं, उन सभी का कार प्राइस लिस्ट। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो दिखाऊँगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग यहां पर ऑन रोड प्राइस सहित समस्त जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो आरटीजीएस अमाउंट हो, सिविल एक्स शोरूम प्राइस हो, या किस किस प्रकार के चार्जेस आपको चार्ज किए जाते हैं गाड़ी को लेते समय। तो देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे और आप लोग इन जानकारियों को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप जो है इन चीज़ों का फ़ायदा दूसरे आदमियों तक भी पहुंचा पाएँ। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि आपको दिखाया गया है पहले वाले कॉलम में इंडेक्स नंबर। तो गाड़ी जो सीएसडी कैंटीन के अंदर लिस्टेड है उसका क्या इंडेक्स नंबर है, वो दोस्तों कॉलम में दिखाया गया है इंडेक्स नंबर वाले में। उसके बाद दूसरा कॉलम आता है मॉडल एंड वेरिएंट का। तो वहाँ पर जिस भी गाड़ी का जो मॉडल है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसके बाद है कोड। अब कोड का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ पर एक स्टार बना होगा उस कॉलम में उस गाड़ी के सामने, तो दोस्तों उसका मतलब ये है कि उस मॉडल को सभी कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद जिसमें दो स्टार बने होंगे, इसका मतलब होगा कि सूबेदार, सूबेदार मेजर या इनके इक्विवेलेंट रैंक वाले लोग जो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। साथ ही पे लेवल संबंधी जानकारी और रैंक संबंधी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि आप मई महीने के बाद कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप csdtoday.com पर विजिट करके समस्त जानकारियां जो भी लेटेस्ट चल रही हैं वो आप देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो कॉलम आता है वो आता है सिविल एक्स शोरूम प्राइस का, जिसके बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिर सिविल में ये कितने की पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाया जाता है यहाँ अगले कॉलम में सीएसडी के लिए जो आप लोग फंड ट्रांसफ़र करते हैं या आरटीजीएस करते हैं वह अमाउंट दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है एलएस ऑर्डर और वो ले जा कर के आप लोग देते हैं अपने संबंधित डीलर को, जहां से आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों वह फिर आपको क्या क्या चार्जेस लगाता है, तब आपको ऑन रोड जो गाड़ी पड़ती है उसके बारे में मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। तो अगला जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो है इंश्योरेंस का, जिसमें कि यहाँ पर 1 ईयर ओडी और साथ में 3 ईयर टीपी को शामिल किया गया है, वो चार्जेस आपको इस कॉलम में मिलेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी जो कि 1 लाख किलोमीटर या 5 साल जो भी पहले हो उसका यहाँ पर चार्जेस दिखाया गया है। इसके बाद बेसिक किट का कितना रुपये लगेगा वह आपको दिखाया गया है। साथ ही दोस्तों नंबर प्लेट और साथ में फास्ट टैग के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं अगले कॉलम में दिखाए गए हैं। अब उन लोगों के लिए जो लोग कि जिस स्टेट से वो गाड़ी लेते हैं लेकिन वहाँ रजिस्टर्ड ना करा करके अपने किसी होम टाउन में या किसी अन्य स्टेट में जा करके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता है। तो वह दोस्तों यहां पर दिखाया गया है जो कि सभी गाड़ियों के लिए 2500 रुपये निर्धारित है। इसके बाद टैक्सेस। अब टैक्सेस उन लोगों के ऊपर ये दोस्तों लगेंगे जो लोग 10 लाख या उससे अधिक की गाड़ी खरीदते हैं, तो 1% का टैक्स उनके ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा। इसके बाद दोस्तों यही गाड़ी सिविल में कितने की पड़ती है वो अगले कॉलम में दिखाया गया, और यही गाड़ी आपको सीएसडी कैंटीन के माध्यम से कितने की पड़ती है वो दिखाया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी चार्ज जो कि है आरटीओ का चार्जेस। तो दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग आरटीओ चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर मैं दो जगह का दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले है दिल्ली का, तो दिल्ली में जो भी आरटीओ चार्जेस लगता है वो आपको दिखाया गया। उसके बाद हरियाणा में जो आपको आरटीओ चार्जेस पे करना होता वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ जो लोग पंजाब से ख़रीदते हैं वहाँ पर 1000 रुपये सभी मॉडल पर, आप कोई भी मॉडल ले रहे हो वो आपको पे करना ही पड़ेगा काउसेस के रूप में।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो मॉडल दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं एस क्रॉस के मॉडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जितने भी मॉडल आपको दिखाए गए हैं उनमें से किसी भी मॉडल को जो सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार रैंक है या इनके इक्विवेलेंट रैंक वाले लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद उसके नीचे आते हैं एक्सएल 6 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक्सएल 6 का, वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका जो सबसे पहला मॉडल है यहाँ पर जो लिस्टेड है, इसको सूबेदार मेजर या इनके इक्विवेलेंट रैंक वाले लोग या इनके अबव वाले लोग ही खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्त बाकी जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसका रेट अपडेट नहीं किया गया है, जो कि जल्द ही कर दिया जाएगा, तो जिसियो जो वार अन्य जो कैटेगरी के यानी जो सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार हैं वो किसी भी गाड़ी को यहाँ पर नहीं खरीद पा रहे हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं न्यू एज बलेनो के लिए। तो दोस्तों न्यू एज बलेनो का आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे समस्त प्राइज। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू एज बलेनो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जो मॉडल दिखाए गए हैं इनमें से तीन मॉडल जिनके ऊपर की आप देख पा रहे हैं एक स्टार बना हुआ है, जो कि बलेनो सिग्मा, बलेनो डेल्टा, इसके साथ ही दोस्तों बलेनो डेल्टा 80। तो दोस्तों ये तीन मॉडल सिपाही से लेकर के समस्त कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा सभी के ऊपर कंडीशन लगी हुई है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विधिवत। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा सा नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं इग्निस के मॉडल। तो इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये समस्त मॉडल इग्निस के जो आपको CSD कैंटीन के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उन सभी के सभी मॉडलों को आप लोग यानी कि सभी कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं सियाज की तरफ, तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे सियाज के सभी मॉडलों को। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार रैंक या इनके इक्विवेलेंट रैंक वाले लोग सियाज की कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इन गाड़ियों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साथ ही दोस्तों जम्मू यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं या फिर यहाँ से रहने वाले हैं या यहाँ पर सर्विस करते हैं और ये गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, इनके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोटेशन प्राप्त करना चाहते हैं या अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग मिस्टर जसमीत सिंह, जिनका कि यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा हूँ, आप लोग कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल आईडी जो दिखाई गई है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नई कार प्राइज लिस्ट, बाइक प्राइज लिस्ट या सैनिकों से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप लोग csdtoday.com वेबसाइट पर विजिट करके जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।